ओके सो गाइस, वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है, और कैसे आप फ्री फायर ओपन कर सकते हो, कैसे आप फ्री फायर प्ले कर सकते हो। एंड जैसे आप फ्री फायर ओपन करोगे, आपको बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेंगे गेम में, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। एंड उसके बाद आप लोग फ्री फायर कैसे प्ले कर सकते हो, कैसे ओपन करोगे, वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पे आपको सेट कर देना है। सो गाइस, जैसे फ्री फायर आप ओपन करोगे, उसके बाद आपको एक ट्रीटमेंट स्नाइपर और उसी के साथ साथ दो और अटैचमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि गेम में आप यूज कर सकते हो। मतलब आपको गेम में दो अटैचमेंट देखने को मिलेंगे और एक स्नाइपर यहाँ पे ट्रीटमेंट गन, जिससे आप यहाँ पे एचपी ले सकते हो। जिस प्रकार हमारा नॉर्मल सा ट्रीटमेंट गन था, उसी रूप से स्नाइपर का ट्रीटमेंट गन, और ये चार्जिंग वाला वेपन होने वाला है, जहाँ पे आप एचपी ले सकते हो ट्रीटमेंट गन को यूज करके। मतलब अपने फ्रेंड को एचपी दे सकते हो, मतलब अगर फ्रेंड पे फायर करते हो तो उसका एचपी इंक्रीज हो जाएगा, और उससे चाहो तो आप इनेमी को किल भी कर सकते हो। फ्री फायर ओपन होने का जो नेक्स्ट चेंजिंग मिलेगा, वो वेंडिंग मशीन में एंड रिवाइवल पॉइंट में मिलेगा। रिवाइवल पॉइंट में सिंपल होगा कि आपको मैप पे भी शो होगा रिवाइवल पॉइंट, कि कौन बंदा यहाँ पे रिवाइव कर रहा है, तो वो चीज़ आप देख पाओगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करा जाता है वेंडिंग मशीन की, तो वेंडिंग मशीन नॉर्मल तो रहेगा ही, साथ में यहाँ पे लास्ट टाइम जब यहाँ पे एक दो सीरिंग कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको वेंडिंग मशीन के एयर ड्रॉप भी देखने को मिलेंगे। मतलब वेंडिंग मशीन भी रहेगा एंड उसका एयर ड्रॉप रहेगा, बट दोनों में फर्क रहेगा। एयर ड्रॉप में आपको ज्यादा बेटर रिवॉर्ड मिलेंगे कंपेयर टू वेंडिंग मशीन, यानी वेंडिंग मशीन के एयर ड्रॉप में अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे कंपेयर टू नॉर्मल वेंडिंग मशीन, समझ रहे हो। नेक्स्ट चेंजिंग की अगर बात किया जाए, तो क्लेश स्क्वाड आपको मैं क्लेश स्क्वाड जो कस्टम है, उसमें आपको 6x6 मोड भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आप लोग को रिकॉर्ड, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आप गेम प्ले करते हो, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड का आइकन भी मिलेगा, ऑप्शन भी मिलेगा, सेव भी कर सकते हो जो भी आप गेम प्ले करते हो। सिंपल है कि आपका फ्री फायर का गेम प्ले रिकॉर्ड होगा, उसको आप सेव भी कर सकते हो, और ये चीज़ आपको फ्री फायर में ही देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चेंजिंग आपको बैकपैक के लेकर, मतलब बैकपैक में जो भी चीज़ रहते हैं उसको अगर यहाँ पे आप ड्रॉप करते हो, तो उसके लिए आपको कोई न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा यूनिक तरीके से। उसी के साथ साथ जो स्प्रे बटन है, वो रिमूव होकर डायरेक्ट इमोट के साइड में आ जाएगा। तो मतलब ये दो चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। चार ऐसे कैरेक्टर है जिसकी पावर को घटाया गया है, मतलब सिंपल है, चेंजिंग किया गया है, घटाना को साइड में रख सकते, तो चेंजिंग किया गया है, जो कि मेन है क्रोनो, उकुंग और यहाँ पे एंड्रू एंड सिरु। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो उकुंग है, उसका जो यहाँ पे ग्रास बनता है, जब आप इसके एबिलिटी को यूज करते हो, तो वो जो ग्रास होता है उसका मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगा, जिसके कारण काफ़ी सारे मतलब अगले जो आपके बंदे रहेंगे वो आपको नॉक कर सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्रोनो की जो टाइमिंग थी उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब भाई अब आपको और टाइम लगेंगे उसको दोबारा मतलब यूज करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे एंड्रू एंड सिरू में, सिरू में तो सिंपल है टाइमिंग को घटाया गया है, यानी घटाया कह सकते हो, और उसी के साथ साथ एंड्रू में थोड़े मोटे डायमंड्स को रेड्यूस किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा गेम में, जब यहाँ पे आप लोग जब भी गेम ओपन होगा, देन आप लोग को ये सारे चीज़ देखने को मिल जाएगा। कस्टम रूम में आपको 6x6 मोड देखने को मिलेंगे, मतलब अब आप पहले फोर बंदे खेलते थे, अब यहाँ पे 6x6 भी खेल सकते हो, मतलब ये ऑप्शन रहेगा जिसको चाहो तो अगर आप समय के साथ यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपका फ्री फायर ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आज तो फ्री फायर का मेंटेनेंस है, सो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो अपडेट है। तो आपको सिंपल फ्री फायर ओपन करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आपको एकदम से अभी से 2-3 घंटे जब आप वीडियो देख रहे, मतलब 11-12 बजे के आसपास या 1-2 बजे कह सकते हो, फ्री फायर का अपडेट अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर में, जहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। बट यहाँ पे जैसे अपडेट कर लोगे फ्री फायर ओपन ही होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम और वेट करना होगा आपको। यहाँ पे आज शाम 5 बजे के बाद, यानी आज शाम 5 भी बज सकते हैं, या 5:30 या 6, मतलब 5 से 5 to 6 बजे, मतलब 5 से 6 बजे आप लोग को फ्री फायर ओपन होकर देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अपडेट करने के बाद ही खेल पाओगे, तो अपडेट आप पहले भी कर सकते हो 12-1 बजे के आसपास, या फिर अगर आप 5 बजे डायरेक्ट ओपन करोगे तब भी आपको अपडेट का ही ऑप्शन मिलेगा। और कुल मिला के सीन ये है कि मतलब आप खेल पाओगे 5 to 6 बजे के बीच में ही फ्री फायर ओपन होगा, और आप लोग को न्यू लॉबी, न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, न्यू पेट देखने को मिलेगा, पेट और कैरेक्टर कुछ दिन बाद आएंगे, न्यू लॉबी आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रेनिंग ग्राउंड के कुछ एरिया को भी क्लीन किया गया, तो काफ़ी सारे चेंजिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। जो भी मेन चेंजिंग थे मैंने आपको बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक ले तो गुड बाय एंड टेक केयर।